अब जब कटिंग में और शूटिंग में सारे आप काम करते रहे तो चौथा सी आती है, उसको कहते हैं क्लोजअप्स। क्लोजअप जो है वो सीन में से बाहर निकल के क्लोज अप आके कहने का मतलब है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात, कोई इम्पॉर्टेंट इमोशन, कोई इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन, कोई बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी तो वो क्लोजअप है। वो बड़ा नपा तुला हिसाब से होना चाहिए कि उसकी जस्टिफिकेशन हो। लॉन्ग शॉट भी मैं बात कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग पे रखें दूर रखें बात करता रहूँगा, लेकिन जो व्यूअर है उसको तकलीफ होगी, खुजली होगी, यार ये वो इतनी दूर बैठ के मुझसे बात कर रहा है और ये बात इंपॉर्टेंट कर रहा है, मैं सुननी चाहता हूँ, मैं समझनी भी चाहता हूँ, तो उसको अगर मैं नहीं करता, मैं लॉन्ग शॉट पे छोड़ देता हूँ, वो थोड़ी देर में बोर होकर इंटरेस्ट छोड़ देगा या टीवी बंद कर देगा या किसी और चैनल पर चला जाएगा। लेकिन अगर उसके मतलब की बात है, प्रोग्रेशन में आया, तो मैं क्लोजअप में इस्तेमाल करूंगा। क्लोजअप शुड बी मेड टू काउंट, इनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। द स्ट्रॉन्गर द मोटिव फॉर यूजिंग अ क्लोजअप, द मोर द क्लोजअप कैन हेल्प मेक द स्टोरी टेलिंग ट्रूली इफेक्टिव। जितनी भी ये वीडियो प्रोडक्शन सब जो हो रही है, ये एक्चुअली उसी सदियों पुरानी नानी अम्मा दादी अम्मा और वो केव मैन की वो ट्रेडिशन चली आ रही है कि मैन लर्न द आर्ट स्टोरी टेलिंग का। अब वो एजुकेशन में भी है, टीचर जब एक पढ़ाता है दूसरे को, इसे एक्चुअली आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ज़्यादा बेहतर होता है वो अच्छा टीचर होता है, जिसको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग वीक होता है, नहीं आता, कम होता है, उस्ताद जबरदस्ती बन गया होता है, वो वीक टीचर होता है। सिर्फ टीचर सारे अच्छे होते हैं, सारे काबिल होते हैं, सबने एम ए किया हुआ है, बी ए किया हुआ है, लेकिन उनमें ये जो इम्पार्ट करने वाला, कम्युनिकेशन रेपो बिल्ड करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला जो आर्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो असल फन वही है, जो प्रोडक्शन में है वही, अफसाने में है वही, नावल में है वही, रेडियो में वो, टीवी में, ये सदियों चलता हुआ आ रहा है, वो मंच के इस प्रोडक्शन में या इन चीज़ों में अब आके क्लाइमैक्स पे पहुंच गया है, रूल्स बन गए, सिस्टम बन गए हैं। तो वो कहता है कि जो क्लोजअप है वो उसके इमोशनल वैल्यू के हिसाब से उतना ही क्लोज होता जाना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मतलब खुदा ना खासा कुछ चीज़ ऊपर से गिरती है या मुझे चोट लगती है या मैं चीख मारता हूँ, तो उसका एक तो यह है कि आप लॉन्ग शॉट पे ही चीख दिखा दें, वो भी और देख लेगा पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ काट खाई है मुझे या सस्पेंस या शोर या तकलीफ हुई है मुझे, और यहाँ पे आप बिग क्लोज अप देते हैं, जैसे हिचकॉक की फिल्मों में होता है कि एकदम इस क्लोज पे आ जाता है, बिग बीबीसी पे अक्सर बिग क्लोज अप पे, तो वो इम्पैक्ट उसका व्यूअर को एकदम होगा, वो चौंका देगा और वो उठ के बैठ जाएगा, यार पता नहीं क्या है जी। या मैं इस तरह कोई बात करने में झगड़ा होते होते सीन में जो चलता जा रहा है और झगड़ा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आप देखो अच्छी फिल्मों में वो बिल्डअप करते जाते हैं, तो वो लॉन्ग शॉट से, मिड शॉट से, ओवर शोल्डर से, क्लोजअप से आते हैं, बिग क्लोजअप से आते हैं, जब वो स्टैब शैब या कतल वतल कुछ होने वाला लगता है तो वहां पे वो बैन क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, और जब वो हादसा या वो चीज हो जाती है तो सडनली उसके एंटी क्लाइमेक्स के लिए ये सडनली कट्स टू अ कंपोजिट शॉट, यार ये क्राइम हो गया यहां पर। तो वो क्लाइमेक्स स्टोरी का शुरू होता है, बिल्डअप होता है और फिर सडनली एंटी क्लाइमेक्स आता है। ये सारे प्रोडक्शन के हिस्से हैं कि आप क्लाइमेक्स पे शुरू करते हैं, क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं, एंटी क्लाइमेक्स आते हैं, तो व्यूअर का इंटरेस्ट रह जाता है। जब वो दूसरे क्लाइमेक्स पे पहुंचता है तो आप नया सीन शुरू कर देते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लाइमेक्स पे लेके जाते हैं, उसको पीक पे जब जाता है उसको एंटी क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं, उसका वो पिछला दिमाग में होता है तो आप नया काम शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ यू मॉड्यूलेट एंड रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द व्यूअर।